लास्ट क्लास में ये दो क्वेश्चन आपको एसडब्ल्यू में हम दिए थे, इसका सॉल्यूशन करके हम आगे बढ़े। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो द चार्ज शुड बी डिवाइडेड टू एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस। यानी कहा जा रहा है कि किसी चार्ज को किस रेशियो में, अगर किसी चार्ज को दो टुकड़ों में बांटना है तो किस रेशियो में हम बांटे कि उनके बीच लगने वाला जो कूलम्बिक फोर्स है वो मैक्सिमम पैदा हो। जैसे कहने का मतलब कि अगर कोई क्यू चार्ज है तो इसको अगर हम दो पार्ट में बांटे, यानी एक क्यू, एक स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू अगर इसमें से निकल गया तो क्या बच गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और इसको कोई एक सर्टेन डिस्टेंस फिक्स करके रख दिए, तो किस रेशियो में इस चार्ज को हम बांटे कि यहां पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो बाई कैलकुलस हम जा सकते हैं, आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हम उतना लेंथी प्रोसेस से नहीं जाना चाह रहे, बस सिंपली हम आपको बता रहे हैं कि सपोज एक हम एग्जांपल ले लिए 12 को, सपोज एक एग्जांपल हम ले लिया कि चार्ज कितना है हमारा 24 कूलम चार्ज, कितना कूलम चार्ज है 24। अब 24 को आप कैसे कैसे बांट सकते हो, मान लीजिए कि हम 24 को बांट रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक 23 कूलम का चार्ज हो और एक कूलम का चार्ज हो, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कैसे निकलता है, के Q1 Q2 यानी 23 गुना 1 बटा आर स्क्वायर, यही कूलम्बिक फोर्स यहां लगेगा। और ये आर जो है इनके बीच की दूरी ये हम फिक्स किए हुए हैं, या आर को हर केस में चेंज नहीं करते। तो मान लो कि अभी तुम इसको 23 एक करके बांटे थे, ऐसे भी तो बांट सकते थे 22 कूलम और 2 कूलम, तब कितना फोर्स लगता है इनके बीच, तो क्या सेम फोर्स लगता है जो पहले लग रहा था, कि कोई फोर्स में चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एफडेस, वो एफडेस कितना होगा के 22 गुने 2 बाई आर स्क्वायर, आर को वही सेम रखना है। तो क्या देख रहे हैं, इसमें के सेम है ही, आर स्क्वायर सेम है ही दोनों में, अंतर बस इस प्रोडक्ट का पड़ रहा है ना। तो क्या 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 का क्या केस बन सकता है, एक तो तुम 23 एक में बांट सकते हो, एक तो तुम 23 गुने 1 में बांट के देख लिए कितना आया प्रोडक्ट 23, एक यहां तुम 22 गुने 2 बांट लिए कितना आया प्रोडक्ट 44, और इसको क्या कर बांट सकते हो, 21 3 में बांट सकते हो क्या आ जाएगा तुम्हारा 63, 20 4 में बांट सकते हो क्या आ जाएगा 80, 19 5 में बांट सकते हो कितना आ जाएगा 19 5 में, 19 5 कितना होता है 19 5 कितना होगा जी 85 वेरी गुड। अब यहां से और क्या केस बनेगा, 18 गुने 6 बांट सकते हो, देखो 18 और 6 में होगा ना 24, 18 गुने 6 कितना हो जाएगा 108, सही है ना। फिर 17 गुने क्या कर सकते हो 7 कितना हो जाएगा 119, फिर 16 गुने 8 कितना हो जाएगा 128, 15 गुने 9 135, 14 गुने 10 कितना 140, 13 गुने 11 क्या आ जाएगा 143, अब 12 गुने 12 क्या आ जाएगा 144। अब ये केस आगे नहीं जाएगा क्योंकि अब तुम इसको जैसे क्या देख रहे हो, इस
इसको तुम घटाते गए हो, इसको क्या किए हो, बढ़ाते गए हो। अगर तुम ये फिर से इसको घटाओगे तो 11 और ये बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 13। तो ये केस तो हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो यही तक आपका केस गया, ये केस नहीं होगा। तो अब इन सब में देखो कि प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कब आया है, ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कब आया है, ये यानी तुमने 24 पुलअप को कितना कितना बांटा कि उनके बीच लगने वाला जो, अब यहां पर तुम देख लो, अगर 24 कुलम को अगर तुम बांट दो 12 और 12 में, तो यहां लगने वाला जो कुलम्बिक फोर्स होगा F" वो कितना होगा, K 12 × 12, और ये R तो फिक्स है सब केस में, R² तो 144 यहां आ जा रहा है। इससे क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा फोर्स उन दोनों टुकड़ों के बीच कब लगेगी, जब हम उस चार्ज को किस रेशियो में बांटे, 1:1, यानी 24 कुलम में सबसे ज्यादा 24 कुलम को किस तरह से बांटे कि उनके बीच के टुकड़ों के बीच लगने वाला कुलम्बिक फोर्स मैक्सिमम हो। तो हम देख रहे हैं कि 24 को किस टुकड़ों में बांटने में आ रहा है, 12 और 12। अगर मान लो कि 20 कुलम चार्ज रहता तो कितना, 10 और 10। अगर 50 कुलम रहता तो 25 और 25, यानी 25 और 25, यानी क्या रेशियो हुआ, 1:1। तो याद रखेंगे हम कि किसी भी चार्ज को अगर बांट रहे हैं दो टुकड़ों में और हम चाहते हैं कि उन टुकड़ों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब उस चार्ज को हम कैसे बांटे, 1:1, या इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, कई बार ऐसा सवाल भी रहेगा इसी कॉन्सेप्ट पे कि कोई क्यू चार्ज है, उसको कोई दो टुकड़ों में हम बांट रहे हैं, तो वो दोनों टुकड़ों का चार्ज क्या होगा जिससे कि उन दोनों टुकड़ों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो क्यू चार्ज है तो दोनों टुकड़ा क्या होना चाहिए, Q/2 and Q/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ का। व्हाट चार्ज शुड बी केप्ट इन बिटवीन ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू, व्हाट चार्ज शुड बी केप्ट इन बिटवीन ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू टू कीप द होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था, और इक्विलिब्रियम का मतलब एक और हम फिजिक्स में निकालते हैं कि उस परिस्थिति में उस पर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0। यानी इस सवाल को अगर हम डील करें सॉल्यूशन नंबर 3 का, ये सॉल्यूशन किसका हम यहां एक्सप्लेन कर रहे थे, 2 का, और पहला क्वेश्चन तो हम प्रीवियस वीडियो में ही बता दिए, 3 क्वेश्चन हमने दिया था कूलम्ब्स लॉ, तो 3 नंबर का सॉल्यूशन में कह रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज, तो एक क्यू और एक क्यू, ये दो आइडेंटिकल चार्ज क्यू हमने यहां रख दिया। अब कह रहा है कि व्हाट चार्ज शुड बी केप्ट इन बिटवीन में, मतलब कि इन दोनों के ठीक बीचों बीच, या कह दो कि इन बिटवीन की जगह इन मिडिल कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो, सवाल में मिडिल वर्ड यूज करेगा। व्हाट चार्ज शुड बी केप्ट इन मिडिल ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस टू कीप द होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यानी यहां पर मिडिल पर क्या चार्ज हम रखें जिससे कि पूरा सिस्टम क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो जैसे एक बात बताओ, ये कैसा चार्ज हम लिए हुए हैं, पॉजिटिव, और ये चार्ज भी कैसा लिए हुए, पॉजिटिव। तो अगर हम यहां मिडिल पोजीशन पे निगेटिव चार्ज क्यू रख दिए, स्मॉल क्यू, अगर हम निगेटिव चार्ज स्मॉल क्यू यहां रख दिए या पॉजिटिव ही रख दिए, मान लीजिए मिडिल पॉइंट पे क्या चार्ज रख दिए, पॉजिटिव स्मॉल क्यू,
तो ये पॉजिटिव क्यू कैपिटल क्यू इस पॉजिटिव क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, यानी इधर फोर्स लगेगा। और ये जो बीच में तुम रखे हो, बीच में रखे हो पॉजिटिव स्मॉल क्यू, ये भी इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन कुछ डिफरेंट फोर्स से, तो ये भी इधर ही लगेगा। इस फोर्स को हम क्या मान लिए, एफ डैश। तो यहां पर क्या देख रहे हो, ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो क्या इस चार्ज पे कभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा नेट फोर्स जीरो, और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। सेम सिचुएशन इस चार्ज के लिए भी, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा एफ से, और ये चार्ज भी इसको रिपेल कर देगा एफ डैश से। तो ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में नहीं आया। तो यहां पर तुमको क्या लाना है, होल सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, यानी इसको भी इक्विलिब्रियम में आना होगा, इसको भी इक्विलिब्रियम में आना होगा, इसको भी इक्विलिब्रियम में आना होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब कि नेट फोर्स का क्या वैल्यू है, जीरो। चार्ज का नेट फोर्स क्या होना चाहिए, हर चार्ज का नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। तो एक चीज हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि दोनों साइड में जो आइडेंटिकल चार्ज क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर उसी नेचर का चार्ज यहां ले लिया गया मिडिल पॉइंट में, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाए, आ पाएगा? दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इस पे नेट फोर्स जीरो कहां आ पाएगा? तो कभी भी इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि अगर दो आइडेंटिकल चार्ज दिया हुआ है और उसके पूछ रहा है कि उसके मिडिल पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखे जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो याद रखना कि जिस नेचर का चार्ज रहेगा दोनों साइड, तो उसके विपरीत नेचर का, उसके अपोजिट नेचर का चार्ज यहां रखना पड़ेगा मिडिल पॉइंट। जैसे रख के देखो, अगर निगेटिव चार्ज रखोगे, अब देखो तुम यहां, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अब ये जो है एफ डैश इधर लगने लगेगा कि नहीं लगने लगेगा? सेम परिस्थिति यहां भी एफ डैश इधर लगने लगेगा। अब यदि एफ डैश और एफ वैल्यू में सेम हो गया, तो इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं, इस चार्ज पे भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इस तरह से ये क्या कहेंगे, जब ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इन पे, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में गया कि जब दो आइडेंटिकल चार्ज होते हैं, उनके मिडिल पॉइंट पर कैसा चार्ज रखना चाहिए कि वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसके अपोजिट नेचर का, कैसा नेचर का, अपोजिट नेचर का। अब देखो यहां पे, तो ये तो हुआ कि हम ये पता लगा लिए कि अपोजिट नेचर का, ये तो हम बस ये बता दिए कि हाँ कि मिडिल पॉइंट पे अपोजिट नेचर का रखना पड़ता है। लेकिन अब वैल्यू वाइज में तुमको देखना होगा कि भाई कितना, ठीक है अपोजिट नेचर का रखना होगा तो कितना रखना होगा। तो देख लो, मान लो कि यह दूरी आर है, अपने मन से हम ये दूरी क्या मान लिए, आर। दोनों आइडेंटिकल चार्ज के बीच की दूरी दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, हम अपने मन से क्या मान लिए, आर। और ये मिडिल पॉइंट है, तो ये दूरी कितना हो गया, कितना हो गया, मेरी मिडिल पॉइंट है तो आर बाई टू, ये सुन दो। तो ये इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कब होगा, नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब एफ डैश बराबर क्या होगा, एफ। और एफ कौन फोर्स है, जो ये क्यू इस क्यू को रिपेयर कर रहा है, कितना हो गया यहां पर, एफ का वैल्यू कितना हो गया, के क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, और दूरी कितना है इनके बीच, आर का स्क्वायर। एफ डैश कितना होगा, एफ डैश के क्यू, इन दोनों के बीच में निकाल रहे हो, के इंटू स्मॉल क्यू, इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कितना दूरी है, आर बाई टू का होल स्क्वायर। यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा,
के क्यू क्यू आर स्क्वायर और ये फोर ऊपर चलाएगा कि नहीं आएगा। तो हमने क्या बताया है कि ये एफ डैश और एफ बराबर होगा तभी ना नेट फोर्स जीरो होगा और तभी ना ये इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो बराबर कीजिए इन दोनों को एफ डैश और एफ को, कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये वैल्यू, इसको बराबर कर दे इससे के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फोर ऊपर चला गया। तो आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, के अब ये क्यू भी कट गया तो स्मॉल क्यू कितना आ गया यहां से, स्मॉल क्यू आ गया कैपिटल क्यू बाई फोर। स्मॉल क्यू कितना आ गया जी, कैपिटल क्यू बाई फोर। यानी मिडिल पॉइंट पर जब दो आइडेंटिकल चार्ज रहे हैं, जब दो आइडेंटिकल चार्ज रहे तो उनके मिडिल पॉइंट पर कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज रखना चाहिए जिससे कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अगर Q और Q रखा हुआ है तो कितना Q बाई फोर, और नेचर में कैसा अपोजिट, नेचर में अपोजिट, यानी Q और Q रखा हुआ है तो मिडिल पॉइंट पर क्या चार्ज होना चाहिए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। एक तो मैग्नीट्यूड में वन बाई फोर और नेचर में अपोजिट यानी माइनस क्यू बाई फोर, माइनस क्यू बाई फोर। तो पूरे डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन किया और इसका ये आंसर हो गया। अब ये चीज मैं बता दूं, कहिएगा कि सर ये दो क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा, नहीं टाइम क्या लगेगा, आज के बाद तुम्हारे लिए ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया। अगर तुमसे आज के बाद ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या बन गया, थ्योरेटिकल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुलम्ब स्कोर का। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी चार्ज को किस रेशियो में बांटा जाए कि उन दोनों टुकड़ों के बीच मैक्सिमम फोर्स लगे, तो क्या होगा, 1:1। और अगर जैसे तुमको इस पर डाटा वाला दे दिया क्वेश्चन, कहेगा कि 20 कुलम चार्ज रखे हुए हैं तो उनके मिडिल पॉइंट पर कितना कुलम चार्ज रखोगे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो क्यू क्यू रखा रहता है तो माइनस क्यू बाई फोर होता है, तो 20 और 20 रखा हुआ तो कितना होगा आंसर, माइनस फाइव। मैग्नीट्यूड में 1:4 और नेचर में अपोजिट। अगर ये कह दे क्वेश्चन में कि माइनस चालीस और माइनस चालीस तो मिडिल पॉइंट पे क्या रखो, अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ भी समाप्त कर चुके हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो टॉपिक हमने समाप्त कर दिया, चार्ज और कूलम्ब्स लॉ। आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक डील करने से पहले हम आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा बताएं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे। चार्ज डेंसिटी जिसको आवेशित घनत्व भी करते हैं, चार्ज डेंसिटी सबसे पहले कैसा क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज डेंसिटी आपके तीन टाइप के होते हैं, चार्ज डेंसिटी आपके तीन टाइप के होते हैं, बड़ा बेसिक है समझने में। एक कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आखिरी कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीन प्रकार के चार्ज डेंसिटी होते हैं, इसलिए इनको पहले बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले, क्योंकि इनका कुछ इस्तेमाल आपको आए। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लोग डिनोट किससे करता है, तो भाई लेमडा से डिनोट किया जाता है, ज्यादा प्रचलन में जो है लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे किया जाता है, लेमडा।
सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? सिग्मा से। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? रो से। लीनियर, नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर यानी ये लीनियर चार्ज डेंसिटी किस तरह के बॉडीज में पाया जाए, जिसके पास सिर्फ क्या है? लेंथ है। जिसके पास क्या है? लेंथ। जैसे एग्जांपल रॉड में पाया जाएगा या आर्क में भी पाया जा सकता है। यानी रॉड कहने का मतलब ये हुआ रॉड आपका, आर्क कहने का मतलब ये इसी रॉड को ऐसे मोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। तो अगर रॉड में चार्ज मौजूद जो है वो टोटल चार्ज रॉड में कितना मौजूद है? क्यू। रॉड में टोटल चार्ज कितना मौजूद है? क्यू। और रॉड का अगर लेंथ कितना है? एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ यानी बॉडी के एक यूनिट लेंथ में जितने चार्ज मौजूद होती है उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट किसे करते हैं? लैम्डा से। तो अगर आप तो पूरे पूरे रॉड में समान तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम, अगर समान तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरे रॉड में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। क्यू इज द टोटल चार्ज जो कि पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है समान तरीके से। और रॉड की लंबाई कितनी है? एल, टोटल लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज मौजूद है नहीं निकलेगा। अगर पूरे एल लेंथ में क्यू चार्ज मौजूद है तो एक यूनिट लेंथ में कितना मौजूद होगा? क्यू अपॉन एल। यानी टोटल चार्ज जो मौजूद है उसको अगर टोटल लेंथ से भाग लगाएंगे तो एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज मौजूद है वो निकलेगा कि नहीं, और उसी को क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या हो गया कि बॉडी पे जितना जो बॉडी पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भागा बॉडी का टोटल लेंथ। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? क्यू अपॉन एल। इसका यूनिट क्या हो गया? कूलम पर मीटर। यूनिट क्या आ गया? कूलम पर मीटर। डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, कूलम का हम लोग क्या बताए थे? चार्ज पढ़ाया मैंने, कूलम का हमने बताया है एटी। एटी भागा अब मीटर का क्या होगा? एल। तो फाइनली क्या आ जाएगा इसका? एल इनवर्स एटी। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया। लीनियर चार्ज डेंसिटी किस तरह के बॉडीज में पाया जाएगा? रॉड, आर्क, जिसके पास एक लेंथ। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। निकलता कैसे है लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो बॉडी पे जो टोटल चार्ज मौजूद है भागा वो टोटल लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज मौजूद होता है उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी करते हैं, वो निकल जाएगा, यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल इनवर्स ए टी। उसी तरह से अब चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां निकाला जाता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका निकलेगा डिस्क में, सीट में। डिस्क यानी चक्की, जैसे सीडी कैसेट होता है डिस्क। हम मान लीजिए पूरा इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है समान तरीके से। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। क्यू कितना है? टोटल चार्ज। और ए क्या है? इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया।
यस और नो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा? चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट सरफेस एरिया, एक यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज मौजूद होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो कैसे निकलेगा भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी? सिग्मा बराबर क्या होगा? सिग्मा ही ना सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिनोशन है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ एक यूनिट एरिया में, कितने एरिया में? एकांक क्षेत्रफल। तो भाई टोटल चार्ज को जब टोटल सरफेस एरिया से भाग लगाएंगे तो एक यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज मौजूद है नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? क्यू अपॉन इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा कूलम्ब अपॉन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला, कूलम्ब का तो 80 होता है और मीटर स्क्वायर, तो एल के पावर क्या आ जाएगा? -2। एल के पावर -2 80। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? दोनों चार्ज डेंसिटी का डिनोट करने का सिंबल अलग है, फॉर्मूला अलग है, यूनिट अलग है, डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। अलग अलग प्रकार के बॉडीज में पाए जाते हैं, ये रॉड में पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है? डिस्क में, सीट में। क्लियर? एक और कौन बच गया? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये किस में पाया जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस में पाया जाएगा जी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पाया जा सकता है स्फेयर में, सॉलिड स्फेयर, ऐसा स्फेयर सॉलिड सिलेंडर में पाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ में बगल में एक चीज हम और लिखने जा रहे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्फेयर में तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पाया ही जाएगा, सॉलिड सिलेंडर में भी पाया जाएगा, लेकिन बगल में एक चीज लिखने जा रहे हैं, वो सॉलिड स्फेयर, जो सॉलिड स्फेयर और सॉलिड सिलेंडर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? क्या लिखा हुआ है? नॉन कंडक्टर, नॉन या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैट में इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा कि कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं। जब भी कंडक्टर के पास चार्ज आएगा भी ना, तो वो चार्ज उसके अंदर नहीं रहेगा। वो चार्ज कहां चलाएगा? उसके आउटर सरफेस पर आएगा, कंडक्टर के। कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता है। इसका कारण क्या है मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना हमको दिमाग में रखना है कि कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज एग्जिस्ट होता ही नहीं। जब भी चार्ज कंडक्टर के पास आएगा तो वो चार्ज कहां चलाएगा? उसके आउटर सरफेस। तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहां पाया जाता है? किस तरह के बॉडी में? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, लेकिन वो किस तरह के मटेरियल का बना होना चाहिए? नॉन कंडक्टर। अगर कंडक्टर का बना रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसका जो भी चार्ज अंदर होगा उसके वॉल्यूम के अंदर सब शिफ्ट करके कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। तो वॉल्यूम में तो फिर कोई चार्ज नहीं रहा। बात समझ रहे हैं हमारी बात? यस और नो? जैसे ये मान लो कि ये सॉलिड स्फीयर है, ये कैसा बॉडी है? सॉलिड स्फीयर है। इसके मान लो कि पूरा चार्ज अंदर है। ये क्यू क्या है? इसका चार्ज। और ये चार्ज सॉलिड स्फीयर के क्या है? अंदर, वॉल्यूम के अंदर। लेकिन अगर ये सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ रहता तो क्या ये चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर हो पाता? सब शिफ्ट होके कहां पे आ जाता? सरफेस। तो फिर तो उसके वॉल्यूम में कोई चार्ज है? वहां पे फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं निकलता। सब चार्ज कहां पे आ जाता? सरफेस पे। तो वहां पे भी क्या निकलता? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलता। वहां क्या निकलता? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं आपको कि हॉलोस्फेयर, हॉलोस्फेयर का मतलब क्या होगा? खोखला गोला। तो खोखला गोला में कैसा चार्ज डेंसिटी होना चाहिए? सरफेस चार्ज डेंसिटी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी?
सरफेस चार्ज, क्योंकि खोखला गोला में वॉल्यूम के अंदर कुछ है, वॉल्यूम तो खाली है और अंदर कुछ मटेरियल ही नहीं, उसके वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं है। सुन रहे हैं मेरी बात को? लेकिन कहां पे वॉल्यूम के अंदर चार्ज रह पाएगा? जो सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन, यस और नो? लेकिन वो भी किसने चक्का? नॉन कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर ने चक्का रहेगा तो भी फिर कहां से ठोके आ जाएगा? सरफेस पर। तो यहां पर भी अगर इसका हम बोल दें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो क्या होना चाहिए? यहां पर रो से रेडी नोट किए हैं, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो सॉलिड स्फीयर के अंदर मौजूद है भागा टोटल वॉल्यूम, तब ना एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज मौजूद होगा वो निकलेगा, और एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज मौजूद होता है उसी को क्या करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन भी, क्यू अपॉन भी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा इसका कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशनल फॉर्मूला एल इनवर्स, ये ऊपर आएगा तो एल ऊपर माइनस थ्री हो जाएगा, अब कूलम का क्या होता है? तो इस तरह से हमने तीनों के तीनों टाइप का चार्ज डेंसिटी यहां पर स्टडी किया। चार्ज डेंसिटी कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर इफेक्टर, स्केलर। आगे चलकर करेंट डेंसिटी पर हो गए, वो वेक्टर होता है, लेकिन चार्ज डेंसिटी कैसा होता है? स्केलर। याद रहेगा चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार के होते हैं? तीन, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। किस तरह के बॉडीज में कौन सा डेंसिटी, कौन सा चार्ज डेंसिटी हमको निकालना होगा वो तो आइडिया खुल गया। रॉड में कैसा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिस्क में? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सॉलिड स्फीयर में? सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम की सरफेस। अगर सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टर है, क्या है, तब जाके उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज रहेगा, तब वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकलेगा। लेकिन वही सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टर मटेरियल का रहेगा तो सारे चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे, तो वहां फिर सरफेस ही चार्ज डेंसिटी निकलेगा। क्लियर? चल गुड।